आज हम लोग एक बार फिर से जो है जेई एडवांस के नेक्स्ट 5 प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो कि डेरिवेटिव से है, द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स साइन पाई एक्स एट एक्स इक्वल टू क्यू के, के बीइंग इंटीजर। तो यहाँ पे हमें यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें डेफिनेशन का यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस एच माइनस एच, लिमिट यहाँ पर एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्स की जगह क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकालना है वो के पे निकालना है। तो व्हाट विल राइट कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ के माइनस एच माइनस एफ ऑफ के अपॉन के माइनस एच माइनस के विल बी माइनस एच। ठीक है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर के माइनस एच रखना होगा, तो के माइनस एच इंटू साइन ऑफ पाई टाइम्स के माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि x की जगह k माइनस एच रख दिया और फिर यहाँ पर हम लोग k रख देंगे ब्रैकेट ऑफ k इंटू साइन ऑफ k x। ठीक है, और नीचे हमारा आ जाएगा माइनस एच, तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। ठीक है, अब देखिए कि ये साइन k x जो यहाँ पर है, साइन यहाँ पर साइन के पाई, ठीक है, पाई एक्स यहाँ पे के रखेंगे क्या हो जाएगा साइन के पाई। तो कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ जो पाई होती है साइन की, उसकी वैल्यू होती है जीरो। तो ये जो पूरा टर्म हमारा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमारे पास क्या बचने वाला है यहाँ पर, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो के माइनस एच इंटू साइन ऑफ पाई के माइनस पाई एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट ऑफ, ठीक है, और ब्रैकेट ऑफ के माइनस एच क्या होगा, दिस इज के माइनस एच होगा क्योंकि के से थोड़ा सा कम है, तो कौन सा इंटीजर आएगा ब्रैकेट ऑफ के में, के माइनस वन। तो दिस विल बिकम साइन पाई के माइनस पाई एच अपॉन माइनस एच। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि हमें ये इसको पता करना होगा कि इसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं पाई के माइनस पाई एच। तो यहाँ पे एक जनरल टर्म इसकी निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो जनरल टर्म जब के को हम लोग वन लेंगे तो ये आएगा साइन, ऐसे नॉर्मल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इज बेसिकली साइन थीटा, ये हो गया माइनस वन की पावर जीरो। जब यहाँ पे हम लोग लेंगे साइन टू पाई माइनस थीटा, तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है जहाँ पे साइन क्या होता है, निगेटिव होता है साइन। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे माइनस वन की पावर वन इंटू साइन थीटा। तो इसी तरीके से जब साइन थ्री पाई माइनस थीटा होगा तो फिर से ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुँच जाएगा और वहाँ पर साइन पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए पावर जो है यहाँ पर हम लोग इवन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक पैटर्न निकल के आ रहा है कि जब आप यहाँ पे वन रखते हैं तो यहाँ जीरो आ रहा है, यहाँ पे टू रखते हैं तो यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे थ्री रखते हैं तो यहाँ पे टू आ रहा है, यानी कम आ रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग एक और चेक कर लेते हैं कि हाँ ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो क्या होगा माइनस वन की पावर थ्री साइन थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें यहाँ पर, क्योंकि ऐसे ही ये चलता रहेगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन के पाई माइनस पाई एच को क्या लिख सकते हैं, दैट विल बी माइनस वन की पावर के माइनस वन और साइन थीटा की जगह यहाँ पर क्या है साइन पाई एच। ठीक है, यानी कि व्हाट वी कैन डू, वी कैन पुट दिस वैल्यू हियर, प्लीज डोंट फॉरगेट टू पुट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो।
So this is k minus 1 times, I can write here minus 1 to the power k minus 1 into sine pi h. Now this is h, this is minus, and this is limit h tends to 0. So we know what we can do. अगर यहाँ पे साइन एक्स है और उसके नीचे क्या होना चाहिए एक्स, तो यहाँ पे साइन पाई एच है तो ऊपर नीचे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, पाई, ठीक है. द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम 1, सो दिस विल बिकम के माइनस 1 इंटू पाई एंड माइनस 1 की पावर के माइनस 1 अपॉन -1. Now what we can write, k minus 1 into pi into minus 1 to power k minus 1, I can take out this minus 1 and write minus 1 to power minus 1, that will go below and it will become minus 1 square, and the square of minus 1 is what? Positive. So what answer we will get? K minus 1 times pi into minus 1 to power k, and this is what we have option as a. Now you can see there was nothing so difficult about this question. When we are doing f dash x, we have used the definition here, that the definition of left hand derivative is fx minus h minus fx upon x minus h minus x, and after that we have put the values and we can have easily got the. अब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं. क्वेश्चन है, सम टू द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज टैन इनवर्स 1 बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स 1 बाई 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस टैन इनवर्स 1 बाई 2 इंटू 3 स्क्वायर अप टिल इन्फिनिटी. ऑप्शन ए पाई बाई 2, बी पाई बाई 4, सी पाई बाई 3, डी नन. तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले nth टर्म फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. कोई भी क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस टाइप का, जो कि tan इनवर्स में था, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था कि nth टर्म निकाला था और उस nth टर्म से हम लोग tan इनवर्स की सीरीज को बनाते हैं. तो उस सीरीज में जब भी हम लोग उसको tan लाइक कुछ इस टाइप से आएगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो फिर उनको सबको सम करते हैं और ऐसे निकालते हैं, फिर n की जगह हम लोग इन्फिनिटी को पुट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए. तो सबसे पहले इसका अगर हम tn टर्म देखें तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 बाई 2. देखिए जब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, जब सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, जब थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है. इसका मतलब जब nth टर्म होगा तो यहाँ पे n स्क्वायर होगा, ठीक है. तो अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज 2 टाइम्स n स्क्वायर. अब इसे हमें क्या करना होगा, इसमें हम 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2 बाई 4n स्क्वायर, ठीक है. तो इस तरीके से हमने इसे कर दिया. यहाँ पे हम कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि ऊपर कुछ सम हो और नीचे उसी का जो है मल्टीप्लिकेशन हो. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भी tan इनवर्स रहता है तो वहाँ पे एक प्लस 1 भी रहता है नीचे, तो उसे प्लस 1 को क्रिएट करने के लिए हम लोग एक प्लस 1 करेंगे और एक माइनस करेंगे यहाँ पर. तो ये 2 है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 4 एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है. तो 1 हमने एक ऐड किया यहाँ पे और 1 हमने यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है. इससे क्या फायदा होगा, यहाँ पे 2 अब मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स हमें दिखने लगेंगे. तो क्या टर्म हो जाएगा वो, tan इनवर्स 2 बाई 1 प्लस 2 एन प्लस 1 इंटू 2 एन माइनस 1.
अब ये जो 2 है हमें इन्हीं टर्म्स के सब्ट्रैक्शन से ये 2 को जनरेट करना होगा, ठीक है। इसको जब हम जनरेट करेंगे तो आएगा टैन इनवर्स 2n+1 माइनस ऑफ 2n-1। तो दिस इज 1 + 2n+1 इंटू 2n-1, ठीक है। अब आप देखें ये जो 2n है इस 2n से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो प्लस वन है और इस प्लस वन से मिलके 2 यहाँ पर इसको जनरेट कर देगा। अब जैसे समथिंग लाइक कि टैन इनवर्स x-y अपॉन 1 + xy विच कैन बी रिटन एज टैन इनवर्स x-tan इनवर्स y। तो यानी कि अब हम यहाँ पर इसे इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं, टैन इनवर्स 2n+1 माइनस टैन इनवर्स 2n-1, ठीक है। इस टाइप के जो मैनिपुलेशंस है, अगर ये हमें आता है, इस टाइप की चीजें अगर हम सोच पाते हैं तो हम इजली जो है जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि किस तरीके से इस टर्म को हम लोग टैन इनवर्स में, यहाँ पे हम लोग टर्म्स जनरेट करना सीख रहे हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आ जाएगा, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि टर्म को जनरेट कर लेना, ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यूज हो सकता है, लिमिट एज अ सम की प्रॉब्लम में, तो लिमिट के क्वेश्चंस में इस टाइप की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, फंक्शन के क्वेश्चन में इस तरीके की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से जो है टर्म्स को जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको, इस टर्म को जनरेट कर लिया है, टैन इनवर्स 2n+1 माइनस टैन इनवर्स 2n-1। तो ये टी एन जनरेट करने के बाद हमारा जो काम बचता है एस एन को फाइंड आउट करना। तो एस एन कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, एन की जगह 1 को रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और एन तक टर्म्स को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला जब टर्म हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं तो वो हो जाएगा टैन इनवर्स 1 रखेंगे तो हो जाएगा टैन इनवर्स 3, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स 1, ठीक है। फिर सेकेंड टर्म हम लोग जनरेट करेंगे, तो 3 1 यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा टैन इनवर्स 3, यहाँ पे टर्म 3 में टैन इनवर्स 7 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर टैन इनवर्स 5 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे टी एन लिख लेते हैं, तो टी एन क्या आया था, टैन इनवर्स 2n+1 माइनस टैन इनवर्स 2n-1, ठीक है। ये रहा हमारा टी एन। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे सो दैट वी कैन फाइंड आउट एस एन। तो ऐड करेंगे तो ये इसके साथ डिलीट, इसके साथ डिलीट, ये वाला अगले के साथ डिलीट होगा और ये इसके पहले वाले के साथ डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एस एन में व्हाट बी वुड बी लेफ्ट विद टैन इनवर्स 2n+1 माइनस टैन इनवर्स 1। अब क्योंकि ये जो सीरीज है ये एन टर्म्स तक तो है नहीं, ये कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, तो यहाँ पे एन को क्या रखना होगा, इन्फिनिटी, बिकॉज ये इन्फिनिटी की सीरीज है। तो यहाँ पे आप जब इन्फिनिटी रखेंगे तो टैन इनवर्स भी क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और ये तो आप जानते ही हैं कि पाई बाई 4 होता है, और टैन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाई 2। पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यू नो दिस 90 - 45, दैट इज 45। तो ये हमारा बी यहां से आंसर आ गया। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम देख रहे हैं जो कि डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं। अभी हम लोग इस टाइप के डेफिनेट इंटीग्रल में क्वेश्चंस देख रहे हैं जिसमें हमें एक इंटीग्रल देना होता है, दिया रहता है एक इंटीग्रल पहले से, जैसे कि ये वाला इंटीग्रल यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद हमें दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन है इंटीग्रल 0 to 1 साइन टी अपॉन टी प्लस 1 dt इज इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ
इंटीग्रल कहाँ से है, 4 पाई माइनस 2 टू 4 पाई साइन टी बाई 2 अपॉन 4 पाई प्लस 2 माइनस टी डी टी इज इक्वल टू, तो ऑप्शन है यहाँ पर अल्फा माइनस अल्फा पाई अल्फा 2 अल्फा। और मैंने आपसे पहले ही बोल रखा कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पहले क्या करना है, पॉज करना है और उसको अपने आप करने की कोशिश करनी है। और पूरे वीडियो में जो 5 प्रॉब्लम्स होती हैं सबके साथ ऐसे ही करना है। अगर आपका रिजल्ट इन 5 में से आप 3 आंसर्स ला पाते हैं अपने आप, तो फिर आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। अगर आपके उससे कम नंबर आ रहे हैं 5 में से, आप 3 से कम प्रॉब्लम्स कर पा रहे हैं, तो आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर हमेशा 5 में से 2 प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी होती हैं, उसमें से एक प्रॉब्लम हो सकता है कि टफ हो, लेकिन अगर आप 3 प्रॉब्लम्स करेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो रेशियो है वो काफ़ी सही चल रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जैसे मैंने कि बताया है। तो यहाँ हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा जिससे कि हम ये वाला इंटीग्रल यहाँ पर बना पाए। तो अब यहाँ आप देखिए कि जो हम बेसिक हमारा फोकस होता है हमेशा, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग सेव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिनोमिनेटर में देखिए तो जो क्ल्यू के लिए हमारे पास कुछ है वो ये है कि यहाँ आप देखिए 1 है और यहाँ आप देखिए 2 है, तो इसका मतलब कि ये 2 जो होगा इसे 1 बनना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का जो 4 पाई माइनस टी है इसको अगर मैं 2z रख दूं, ठीक है, क्या कर दूं 2z, तो 2z रखने से क्या होगा, दिस विल बी 2 प्लस 2z बन जाएगा, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये z प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल कम आउट माइनस डी टी इज इक्वल टू 2dz, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारा माइनस डी टी इज इक्वल टू 2dz। अब यहाँ हम यहाँ चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा, लिमिट्स को, उनको भी अभी करते हैं। यहाँ पे t रखिए आप 4 पाई माइनस 2, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा और माइनस ये जाके माइनस 2 को कितना बना देगा 2, और इस 2 से ये 2 कैंसिल होके z की वैल्यू 1 आएगी। देखिए फिर से, क्योंकि ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, इतना सारे स्टेप्स यहाँ पे खा रहा हूँ, क्योंकि आपको भी ऐसी अब प्रैक्टिस करनी है कि आप यहाँ देख के ही समझ सके कि यहाँ क्या लिखना है हमें, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए 4 पाई माइनस ऑफ 4 पाई माइनस 2, मेंटल कैलकुलेशन करिए, ये 4 पाई और ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस जब जाएगा अंदर तो इसे प्लस 2 करेगा और यहाँ का जो 2 है और इस 2 को काट के 1 कर देगा, इसलिए यहाँ पर 1 आया, ठीक है, क्लियर है बात। अब यहाँ ये तो बहुत ही इजी है, जब यहाँ पे 4 पाई रखेंगे आप तो 4 पाई माइनस 4 पाई क्या हो जाएगा 0, तो ये ऐसे हमारी लिमिट्स आ गई। अब यहाँ से देखते हैं कि साइन टी बाई 2 हमें पता करना है, तो साइन यहाँ से t की वैल्यू पहले निकालनी होगी, तो t विल बिकम 4 पाई प्लस 2z, और यहाँ t नहीं चाहिए, यहाँ क्या चाहिए t बाई 2 चाहिए, तो 2 से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, तो ये लिखा जा सकता है 2 पाई प्लस z, ठीक है, क्या लिखा जा सकता है, तो साइन t बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस z, और साइन 2 पाई प्लस z क्या होता है माइनस साइन z, ठीक है। और जो dt है हमारा वो हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स dz, ठीक है। देखिए यहां पर माइनस dt इज इक्वल टू 2dz है, जब आप dt लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स dz हो जाएगा, और हमने क्या लिया था 4 माइनस t को 2z लिया था, ठीक है, 4 माइनस t को 2z लिया था और ये प्लस 2 है, तो ये रहा पूरा जो हमारा इंटीग्रल बन के आया है। अब इसे हम लोग लिखेंगे 1 to 0 और ये 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स z प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा dz और ये आगे 2 रहेगा और ये माइनस माइनस कैंसिल होके दिस विल बिकम sin z into dz,
तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मैं इस इंटीग्रल को यहाँ लिख लेता हूँ, दिस विल बिकम 1 to 0, और ये साइन जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस 1, ये इंटीग्रल अब हमें दिख रहा है। अब आप देखिए कि ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है, इसमें 1 to 0 है जबकि इसमें 0 to 1 है, तो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इनको जो है रिवर्स कर दें तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, तो दिस विल बिकम 0 to 1 साइन जेड डी जेड अपॉन जेड प्लस 1। तो आप जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो आप यहाँ टी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ बिना लिखे ही हम लोग यहाँ समझ सकते हैं कि दिस इंटीग्रल इज सेम एज दिस इंटीग्रल। तो हम यहाँ पर जो चाहते थे वो हो गया है, हम चाहते थे कि हमारा ये गिवन इंटीग्रल इस इंटीग्रल में चेंज हो जाए, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये चेंज हो गया है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे अल्फा, तो दिस विल बिकम माइनस अल्फा। तो ये काफी इजी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें करना ही होता है। अब हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 5x^4 + 4x^5 dx / x^5 + x + 1 2fx + c, देन fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कई ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में इस टर्म का स्क्वायर दिया गया है और ऊपर कुछ टर्म्स आ रहे हैं, तो कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रोसीड कर सकते हैं वो हमें देखना है। तो मैं लिख देता हूँ फिर से एक बार प्रॉब्लम को, 5x^4 + 4x^5 और ये पूरा क्या है dx, तो ये हो जाता है x^5 + x + 1 2। ठीक है, तो डिनोमिनेटर से हम लोग नॉर्मली न्यूमरेटर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो x^5 का तो दिख रहा है हमें, लेकिन 4x^5 कहाँ से आएगा, दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये ना होने की वजह से हम लोग ऐसा भी कई बार देखते हैं कि अपॉन में इसको क्रिएट करने की कोशिश करते हैं और उसका जो हमें डिफ्रेंशिएशन है फिर ऊपर दिखने लगता है, ठीक है। तो उसी बात को सोचते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो हाईएस्ट पावर है यहाँ से उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप x^5 को स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x^10, तो यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x^10, तो ये रहा हमारा x^10, और जब x^5 आपने बाहर निकाला था तो ये हो जाएगा 1, और x/5 जो होता है वो हो जाएगा x^4, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो बन जाएगा 1/x^5, और इस पूरे का क्या होगा हमारा स्क्वायर। अब ऊपर अभी हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं 5x^4 + 4x^5, और ये पूरे का क्या हो गया dx, ठीक है। अब इस x^10 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, x^4 / x^10 जो होता है वो हो जाएगा 5 × x^5 / x^6 हो जाएगा, ठीक है। और जो 4x^5 है जब उसे आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 × x^5, और ये पूरा हो गया dx। अब यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है जो जनरेट हो रहा है वो है इसका डिफरेंशियल ऊपर आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर दिया गया है उसका डिफरेंशियल अब हमें ऊपर दिखने लगा है। तो काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जब भी हमारा डायरेक्ट यहाँ से f(x) / f(x) अगर नहीं बनता है तो हम लोग इस टाइप से उसके अपॉन को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर वो बन गया तो इसका मतलब कि क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना होगा, अब हम इसको t मान लेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम लोग, 1 + x^4 + 1/x^5, ये t हो जाएगा। तो अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 हो जाएगा,
और जब ये x की पावर माइनस 4 अपॉन x की पावर 5 हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने से, और जब x की पावर 5 वहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन x की पावर 6, और ये रहा dx इसके साथ, और यहाँ हो जाएगा dt। ठीक है, तो माइनस को अगर हम लोग बाहर कॉमन लें तो ये आप देखेंगे कि एग्जैक्टली ये वही बन गया है जो यहाँ पर है। यानी मैं लिख देता हूँ, दिस इज 5 अपॉन x की पावर 6 प्लस 4 अपॉन x की पावर 5 टाइम्स dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस को अगर मैं इधर भेज दूं तो दिस विल बिकम एज माइनस dt। तो बहुत इजी हो गया है प्रॉब्लम ऑफ यहाँ से। ठीक है, ये dx है और ये बन गया है, यहाँ पर माइनस बाहर ले लो, दिस इज माइनस dt, और ये t हम लोगों ने माना है तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। अब t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, ये हो जाएगा t की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, और बाहर से भी एक माइनस है यहाँ पर और यहाँ पे प्लस c। ठीक है, हमें fx चाहिए तो हम c को भेज सकते, बिकॉज देखिए यहाँ पर c दिया ही गया है। तो t की पावर माइनस 1, क्या आ गया ये t की पावर माइनस 1, और यहाँ देखिए माइनस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बेसिकली जो हमें मिल रहा है वो है 1 अपॉन t, यानी जो भी 1 अपॉन t से यहाँ मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1 अपॉन t, अब हमें देखना होगा कि हमने t क्या माना था, हमने t ये माना है, तो आई एम राइटिंग हियर 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया है 1 अपॉन t बन के। अब यहाँ एलसीएम लेंगे, या हम लोग बोल सकते हैं x की पावर 5 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर 5 और नीचे यहाँ पर आएगा x की पावर 5, और जब x की पावर 5 अपॉन x की पावर 4 होगा तो ये आ जाएगा x, और यहाँ जब x की पावर 5 जाएगा तो आ जाएगा 1, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है सोल्यूशन हमारा। अब हम लोग यहाँ पर लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि फंक्शन चैप्टर से है। लेट f माइनस 4 कॉमा 0 टू r इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस साइन x, देन इट्स इवन एक्सटेंशन इन माइनस 4 कॉमा 4 इज। पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें कोई भी फंक्शन दिया गया है, ठीक है, अनडिफाइंड है, ये हमें मालूम नहीं है, इसकी डिफिनीशन नहीं दी गई है। तो दिया गया है कि माइनस 4 से 0 में वो रियल नंबर कुछ भी लेता है फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, लेकिन उसको क्या बोला गया कि वो माइनस 4 से 0 के लिए ही केवल उसका इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन इसी का जो इवन एक्सटेंशन है, मतलब अगर ये ग्राफ इवन ग्राफ बन जाए, जैसे इवन फंक्शन बन जाए, और फिर इसको हम लोग माइनस 4 कॉमा 4 में अगर लिखना चाहें वो एफ एक्स को, कि जो कि इवन फंक्शन हो, तो वो क्या डिफिनीशन होगी। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। तो इसको करने के लिए, यानी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ अगर हम लोग पहले पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है, तो जो पॉइंट्स की बात यहाँ पर की जा रही है वो है माइनस 4 से 0 क्लोज्ड इंटरवल। तो यहाँ पे कुछ ग्राफ जो है बना हुआ है, और यहाँ ये हमें एफ एक्स दिया गया है। अब एक बात जो हमको पता है इवन फंक्शंस के बारे में, कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं अपनी वाई एक्सिस पर, यानी कि जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ही ग्राफ इधर होगा। आप एग्जांपल ले सकते हैं मॉड एक्स का, आप एग्जांपल ले सकते हैं साइन एक्स का। ठीक है, इवेंट फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉस एक्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे ग्राफ है और इधर, और जितने भी ऑड फंक्शन होते हैं, जैसे कि साइन एक्स ऑड फंक्शन है, वो सिमेट्रिकल अराउंड ओरिजिन होते हैं। वो कहाँ सिमेट्रिकल होते हैं, ओरिजिन के सिमेट्रिकल होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि हमें तो इसे इवन एक्सटेंशन इसका बनाना है। तो हमें यहाँ पर एफ एक्स दिया गया है ई की पावर एक्स प्लस साइन एक्स। अब
हमें अगर इसी ग्राफ को, बिकॉज यहाँ पे जो x है वो माइनस x है, और y हमें सेम रखते हुए यही सारी वैल्यूज लानी है प्लस x के लिए, ठीक है। तो यानी x क्या होना चाहिए, x जो है यहाँ पर माइनस कर देना चाहिए। तो जो इधर होगा f, तो यहाँ पर जब एफ एक्स हमें दिया गया है e की पावर x प्लस साइन x, अगर हमें इसके सिमेट्रिकल यहाँ पे करना है तो हमें x को क्या रिप्लेस करना चाहिए, माइनस एक्स से फंक्शन के अंदर। अगर इधर x दिया है और इस साइड के बारे में पूछते हैं तो उधर माइनस एक्स हमें रखना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर हमारा जो एफ एक्स बनेगा वो बन जाएगा e की पावर माइनस एक्स प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। अब साइन ऑफ माइनस एक्स हम जानते हैं कि माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये हो गया e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हमारा फंक्शन आया। अब इसका इवन एक्सटेंशन, बिकॉज ये तो फोर तक ही है, तो यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा है, fx e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस, ये जीरो से फोर है, लेकिन अगर हमें इसका एक्सटेंशन इधर भी मिरर इमेज लेना है, तो क्योंकि अब हमें क्या करना है, इसी इधर देखिए आप एफ एक्स आ रहा है e की पावर x प्लस साइन एक्स, लेकिन इधर साइड वही सेम जो एफ एक्स है वो आ रहा है e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे लिखना पड़ेगा माइनस फोर से लेके फोर तक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक ग्राफ यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, अगर ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x का, अगर हमें इसे इधर की तरफ इसका मिरर इमेज बनाना है, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। यानी मॉड एक्स लगाने से, हर एक्स को अगर हम लोग मॉड एक्स से जो है चेंज करते हैं, तो क्या होता है, जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है सिमिलर ग्राफ हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में बन जाता है। एग्जैक्ट मिरर इमेज इधर बनाना होता है, तो एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, मॉड एक्स से। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन लिखा होगा उसका हम लोगों को मिरर इमेज लेना है। तो यानी कि यहाँ पे अब जो हमारा एफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा e की पावर माइनस मॉड ऑफ x माइनस साइन ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है। तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन है जो करेक्ट है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ मॉड एक्स, ये है होता है हमारा इवन एक्सटेंशन। आई थिंक कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इवन एक्सटेंशन का, और आपने फाइव प्रॉब्लम्स ट्राई कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आई हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, और अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिए। ये हम लोगों का आज 14th लेक्चर था जेई एडवांस में।